Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program. This lecture is about revision lecture from rectilinear motion, or it's a revision lecture from for chapter rectilinear motion for NEET. Okay, ye chapter start karne se pehle main aapko kuch baatein hu, like I want to tell you few points about this chapter. First thing is, aap NEET ki taiyari kar rahi hai, right? Then it must be very clear to you कि नीट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, किस तरह से सवाल पूछता है और आपको नीट के लिए कैसे स्टडी करना चाहिए. सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. अगर आप प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस चैप्टर से क्या नॉर्मली लाइक ट्रेंड रहता है, कितना लेवल रहता है, दैट विल बी क्लियर टू यू, लाइक कि हाँ किस तरह से आपको नीट की स्टडी करनी चाहिए. तो यहाँ पे व्हाट आई हैव लाइक understood from by just going through the previous year NEET papers and NEET questions is that NEET जो आपसे questions पूछता है उनका level बहुत ज़्यादा high नहीं होता. It's like a conceptual और थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए, और like it should not be even like directly कि जो आपसे आपने पहले question किया गया है exactly वैसा ही question हो, वो जरूरी नहीं है. बट आपको चीजें बेसिक आती हैं, आपको समझ में आता है, तो आपको थोड़ा सा घुमा करके थोड़ा सा बेसिक चीजों को लाइक मे नॉट मच लाइक जस्ट लिटिल बिट ट्विस्ट विल बी देयर, वो एप्लीकेशन आपको आता है, देन यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर द नीट क्वेश्चंस. एक्चुअली दूसरी बात जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड द स्पीड. और टाइम मैनेजमेंट वो आपको प्रैक्टिस आएगा, एंड स्पीड ऑल्सो यू विल गेट बाय प्रैक्टिस. तो आप जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, टाइम लगा करके सॉल्व करोगे, अपनी एक्यूरेसी एंड वो सब चीजें आपको दैट विल इम्प्रूव बाय प्रैक्टिस. दिस लेक्चर इज नॉट अबाउट इम्प्रूविंग योर प्रैक्टिस, योर टाइम मैनेजमेंट, इट्स नॉट अबाउट दैट. ये आपको जो कंसेप्ट आपने पहले पढ़े हुए हैं, अगर आप भूल गए हैं तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करने में हेल्प करेगा. सो लेट्स कंटिन्यू हियर. तो ये चैप्टर है रेक्टिलिनियर मोशन. सो बेसिकली दिस इज अबाउट मोशन. तो आपको बहुत अच्छे से समझ होना चाहिए कि मोशन क्या है. तो मोशन कैसे हम स्टडी करते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं. तो मोशन के लिए समझने के लिए हमें पहले चाहिए होता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसको हम किसी पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं या किसी भी लाइक प्लेस में फिक्स कर देते हैं. जैसे मैं यहाँ पर भी एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स कर देता हूँ, तो ये एक मेरा क्या होगा, आई कैन से दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. तो ये क्या होगा, मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब मैं इसके रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आसानी से, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट O1 है, आई कैन डिफाइन द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट. तो ये हमें मोशन को समझने के लिए सही होता है. सो दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू सम पॉइंट. ऑब्जेक्ट जो बेसिकली अपनी पोजीशन चेंज करता है, राइट. तो लेट्स से मैंने कहा अब पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है बेसिकली, इट्स लोकेशन, राइट. और यू कैन राइट इट्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो अपन पोजीशन इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं. तो अब क्या हुआ, इफ विद टाइम पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, राइट. और यू कैन से इफ विद टाइम द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, देन वी विल से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, राइट. और फॉर एन ऑब्जर्वर लाइक बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग हियर, देयर मे बी सम अदर ऑब्जर्वर, वो भी किसी दूसरे फ्रेम में हो सकता है, वो सब चीजें अभी अपन आगे बात करेंगे. तो यहाँ पर अपन सिंपल सा लाइक से आई एम एन ऑब्जर्वर, फॉर मी आई हैव अटैच्ड माय कंप्यूटर सिस्टम टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में बोल सकता हूँ दिस इज द पोजिशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. नाउ इफ इट इज चेंजिंग द पोजिशन, लेट्स से दिस इज एट टी वन टाइम पोजिशन इज दिस, एंड एट टी टू टाइम ऑब्जेक्ट पोजिशन चेंजेस टू हियर, right. So position of this object at t2 time, this is same object O1, but this is the position. So now I can see for me the position of this object has changed from O1, I will write it from A to B. O1 is the my object. The position of object A1, O1 has changed from A to B, and that's why in time t1 to t2, so that's why I will say for me the object is in motion, clear. हाँ, अब मैं एक ऐसा फ्रेम यहीं पे अटैच कर देता कि जो इस ऑब्जेक्ट से ही अटैच्ड है, एंड आई एम आल्सो सिटिंग देयर. तो अब ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है, कैन अंडरस्टैंड दैट, ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है बट फ्रॉम दिस फ्रेम.
लेकिन मैं अभी इसी फ्रेम में अटैच करके इसी फ्रेम में बैठा हुआ, तो उस फ्रेम में देखने से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेरे लिए तो सेम रहेगी, देन ऑब्जेक्ट ओ वन विल नॉट बी इन मोशन फॉर मी. But if someone is observing same object from this frame of reference, this object will be in motion. तो ये आपको समझ में आना चाहिए. जैसे सिंपल एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा एक बस है और वो मूव कर रही है. मैं बस में ही बैठ जाता हूँ और मैं मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बस में ही एक कोने में फिक्स कर देता हूँ. अब उसके रेस्पेक्ट में मैं किसी पर्सन को who is sitting in the bus ऑब्जर्व करता हूँ. आई एम ऑल्सो सिटिंग इन द बस, इज इट? तो फॉर मी पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और विद रेस्पेक्ट टू ए फ्रेम अटैच्ड टू अटैच्ड इन द बस, पोजिशन ऑफ एन पर्सन सिटिंग इन द बस इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. तो इसलिए क्या हुआ, जो पर्सन बस में बैठा है, राइट, इफ आई एम ऑल्सो सिटिंग इन द बस, देन फॉर मी द नेक्स्ट पर्सन इज एट रेस्ट. लेकिन बस क्योंकि ग्राउंड से देखोगे तो मूव कर रही है, उसकी पोजिशन चेंज कर रही है. देन फॉर ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, bus will be in motion. Clear? So motion, best, what it mean, position, frame of reference, that should be clear. तो अभी यहाँ पर position अपनी चेंज हो जाती है. अब इन्हीं को हमें properly समझना है और different different ways में, and we will define some quantities. So first comes actually your distance and displacement, right? तो यहाँ पर है एक distance होता है, another is displacement. डिस्टेंस क्या है कि अगर किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से कुछ फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाता है, सो लेंथ टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज इट चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, टोटल पाथ लेंथ इज सिंपली टर्म्ड एज डिस्टेंस. ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, बेसिकली इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. यूनिट्स का मीटर होता है ऐसा यूनिट, इट कैन बी आल्सो मेजर्ड इन सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड सो ऑन, इज इट? मेनी अदर दीज यूनिट्स आर आल्सो हियर. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट, और यू कैन से द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. सो इनिशियल अगर ये है और ये फाइनल है तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या है, ये. दिस शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ विल बी कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ डायरेक्ट है. क्लियर? सो दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी. यूनिट इसका भी मीटर होता है. क्लियर? नेक्स्ट इज कम्स योर स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी, तो स्पीड क्या है बेसिकली, अभी आप समझ सकते हो एक ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, पर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. तो लेट्स से द टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस जर्नी इज डेल्टा टी, एंड दिस पाथ लेंथ, पाथ लेंथ जिसको मैं बोलूंगा डिस्टेंस, इज एल. तो यहां पे क्या होता है, डेल्टा टी टाइम में ये एल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वी डिफाइन दैट क्वांटिटी एज स्पीड. स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वी कैन डिफाइन स्पीड इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. तो ये हो जाता है स्पीड. ऐसी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. वेलोसिटी क्योंकि देखो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, टाइम टेकन भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो योर स्पीड विल बी ऑलवेज आइदर जीरो. जीरो कब होगी, जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, टाइम इज चेंजिंग बट ऑब्जेक्ट पोजिशन इज नॉट चेंजिंग, सो डिस्टेंस कवर कितना होता है, जीरो. इन दैट केस योर स्पीड कैन बी जीरो, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव. रिमेंबर दैट, ये जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, बट नेगेटिव कभी नहीं, राइट? स्पीड, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड. क्वांटिटी स्केलर है. वेलोसिटी सेम हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, इज इट, कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट विल गिव वेलोसिटी.
अब ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है, डायरेक्शन भी है, राइट, मैग्नीट्यूड भी है, एंड प्लस दिस क्वांटिटी कैन बी प्लस पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो. टाइम इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, राइट. अगर कुछ ड्यूरेशन की बात करोगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. सो इन दैट सिचुएशन ये हमेशा पॉजिटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव जीरो. सो दैट्स व्हाई दिस योर वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो. यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है कि डायरेक्शन से, कभी तुमने डायरेक्शन इधर राइट को पॉजिटिव लिया तो हो सकता है पर्सन लेफ्ट में ट्रेवल कर रहा हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में बन रहा होगा. अंडरस्टैंड, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव. सो वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और यूनिट इट्स एसआई यूनिट इज आल्सो मीटर पर सेकंड. क्लियर. अभी दो चीज और इसमें आ जाती है, मतलब बेसिकली इन्हीं को हम, वन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अनदर इज कॉल्ड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. ठीक है ना. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी एंड अनदर इज एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी. तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, मतलब एक तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं. आप स्कूटी या बाइक ड्राइव करते हैं, आप अपने घर से चलते हैं और बाजार जाते हैं. लेट्स से बाजार जाने के लिए जो आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है वो 5 किलोमीटर है और आपको कुछ लेट्स से 1/4 आवर लगता है. तो एक तो है कि आप ओवरऑल जो डिस्टेंस कितना है आपका 5 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 1/4 आवर, तो योर स्पीड विल बी लाइक 20 किलोमीटर पर आवर. लेकिन आप जो स्कूटी का स्पीडोमीटर रहता है या मतलब जो स्पीड मेजर करने वाला दिखाने वाला सेटअप सिस्टम रहता है उसमें आप देखोगे तो आपकी स्कूटी की या बाइक की स्पीड कभी 40 भी होती है, कभी अपने बीच में रुके भी होंगे जब सिग्नल आपका लाइक पड़ा होगा, या फिर कभी लाइक हायर फ्री रोड होता है तो आपने एक्सीलेंट भी खींचा होगा. तो उस टाइम पे जो हर एक मोमेंट की आप ऑब्जर्व करो जो स्पीडोमीटर दिखाता है, दैट स्पीड और दैट वेलोसिटी इज डिफरेंट देन दिस वन. ये क्वांटिटी है कि टोटल चल के ए से बी तक पहुंचने में कितनी दूरी, कितना टाइम, सो दैट विल गिव यू एवरेज थिंग. और जब इंस्टेंट पे आप स्पीडोमीटर में देखते हैं कभी 60, कभी 40, कभी 20, कभी 0, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब वहीं पे अगर आपका पाथ एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है तुम्हारा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. योर इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बिकम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट, एंड टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इफ द पाथ इज स्ट्रेट, रिमेंबर दैट. तो उस सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, दैट विल बी योर एवरेज वेलोसिटी. क्लियर. तो यहां पे अपन बोल सकते हैं दिस यू कैन डिफाइन मैथमेटिकली, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ यू राइट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड बोथ आर एक्चुअली सेम. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड योर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. बी इंस्टेंटेनियस हो जाता है, दैट कम्स आउट टू बी ds by dt means differentiation of distance or displacement. The differentiation अगर आप कर देते हैं, क्योंकि differentiation का मतलब होता है change in time is the interval is very small. वही तो exactly meaning है instantaneous, मतलब कि किसी एक instant पे. तो किसी एक instant का मतलब होता है कि जहां पे हम जो duration consider कर रहे हैं time की initial से final, वो दोनों time almost like tending to same point. या फिर मतलब जो इंटरवल है वो बहुत छोटा है. सो मैथमेटिकली दैट इज इंस्टेंटेनियस. हाँ, इसका डायरेक्शन अगर वेलोसिटी है तो डायरेक्शन भी होगा, स्पीड है तो स्पीड का कोई डायरेक्शन होता नहीं है, बट देयर मैग्नीट्यूड एक्चुअली सेम रहता है. इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है. इसी को ग्राफिकली अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, जो हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है कुछ भी एक्स वर्सेस टी, the slope of this graph, slope, right, gives you instantaneous speed or velocity. Average speed आपको clear हो जाना चाहिए. तो average speed के लिए क्या करना है आपको, जो भी situation आपको दे रही है total distance निकालनी है और total time निकालनी है.
that will give you average speed. Clear? And similarly, average velocity, तो ये क्या हो जाएगा? Total displacement divided by total time taken. अभी देखो, इसमें मैं कुछ questions बताऊंगा. उसमें कभी कभी क्या रहता है कि ऐसा दे दिया जाएगा कि तुम्हें आधी दूरी इतनी स्पीड से चले, आधी दूरी नेक्स्ट दूसरी V1, V2 स्पीड से चले. वो सब सिचुएशन, उस तरह के प्रॉब्लम नीट में नॉर्मली पूछे जाते हैं. कभी कभी आधी की जगह क्या कर दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा तुम्हें 1/3 ट्रेवल्ड बाई V1 वेलोसिटी या स्पीड, नेक्स्ट 2/3 बाई V2. तो नेट एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड, हर एक सिचुएशन में तुम्हें करना क्या है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है. अगर स्पीड की बात की जा रही है, वेलोसिटी की बात की जा रही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है. क्लियर? टोटल डिस्प्लेसमेंट. अब देखो, इसमें हमारे पास क्वांटिटी क्या है और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी. अब टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो क्या होगा. क्लियर? तो यहां पे हमें क्या होगा, या तो वेलोसिटी या हमारे पास रहता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये तीन क्वांटिटी होती है. क्लियर? तो इनमें से तीन में से हमेशा दो क्वांटिटी तो दी जाती है तुम्हें, या तो वेलोसिटी और डिस्टेंस दे दिया जाएगा कि d1 आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है, क्या हो रहा है. राइट? उस पर बहुत आसान आसान प्रॉब्लम नीट पूछता है. मैं यहाँ पे आई विल ट्राई टू गिव यू सम एग्जांपल. दोस एग्जांपल आइदर they have been asked in NEET in previous year, but they will be like of same level जो NEET में पूछे जाते हैं, right? So let's see an example. Okay, so see one example based on average velocity and average speed. And here we have one problem. A car moved from X to Y with uniform speed VU and returned to Y with uniform speed VD. The average speed for this round trip is. So the question here, it will be visible to you. So it's saying that one car is moving from X to Y with a speed like VU. Okay. And it's returning back with the speed VD, then it's talking about the average speed. Average speed of car. So see, we know the definition, basic definition, that how we calculate average speed. What is the average speed? V average is equal to total distance, right? Travel divided by total time taken. Okay, so now see, it's moving from X to Y. Let's say the distance is S, and then back coming to X, Y to X, then again distance is S. So total distance we can get here, total distance for the trip, is it, will be equal to 2S. अब यहाँ पे देखो, VU और VD आपको क्या दे रखा है, स्पीड X से Y की और Y से X की, बट टाइम नहीं दिया है. बट वी नीड टाइम, राइट? एंड वी नो स्पीड इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपन टाइम निकाल सकते हैं बेसिकली, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्लियर? तो आई कैन राइट टाइम x टू y विल बी इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड वी यू, एंड टाइम y टू x विल बी इक्वल टू अगेन डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड वी डी. तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम इज इक्वल टू वॉट, s by vu plus s by vd. तो हमारे पास देखो टाइम भी आ गया. नाउ व्हाट इज द एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम s by vu plus s by vd. s s s कैंसिल एंड दिस कम्स आउट टू बी 2vu vd डिवाइडेड बाय vu plus vd. सो दिस इज योर एवरेज स्पीड. This is average
speed. This is also one of the problem from previous year NEET paper. So you can understand actually it's like a simple application. आपको चीज़ें समझ में आती हैं, थोड़ी सी चीज़ें घुमा के दी जाती हैं. That should not be a big problem if you are clear with the concept. See one more problem here. Okay, so the next question is, a car runs at constant speed on circular track of radius 100 meter, taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap. Circular lap means basically each circular one circle turn, is it? So that is the question, and let's see it. So question kya hai yahan pe? A car is running on a circular path and its radius is given as r is equal to 100 meter. And it's given, it's covering one circular lap, means एक turn जो करने में cover करने में time लग रहा है, that is equal to 62.8 second. And the question now it's asking, find average speed and velocity for each turn, is it? Or lap. सर्कुलर लैप, क्लियर. तो अगेन यहाँ पर भी क्या करना है, मान के चलते हैं पार्टिकल इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम एट टी इक्वल टू जीरो फ्रॉम हियर एंड गोइंग दिस वे. सो व्हेन इट इज कमिंग बैक, इज इट फॉर ईच सर्कुलर लैप, राइट, इफ इट इज कवरिंग वन सर्कुलर टर्न, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? Can you just tell me, starting from here, covering the complete circular lap and coming here. So that means displacement is zero. Time taken, that is 68 seconds. Iska matlab kya ho gaya? Average velocity will be equal to what? Total displacement divided by time taken. So total displacement divided by time taken, and that comes out to be 0 divided by 62.8, that is equal to 0 meter per second. So average velocity is for each circular lap or circular turn is 0 meter per second, and average speed, to speed ke liye apan ko kya chahiye? Distance, clear. So distance, to distance kaise nikalenge? Ab dekho yahan pe, for each circular turn, distance will be equal to what? You can write total distance for circular lap, that will be equal to how much? 2 pi r, and this is coming out to be 2 pi 3.14 multiplied by r is 100 meter. Clear? And time we already given, time taken, that is 62.8 second. So now average speed is equal to what? Distance divided by time taken. So that is 2 pi r divided by time, that is equal to 3.14 multiplied by 100 divided by 62.8. Simplifying it, it comes out to be 10 meter per second. So the average speed is 10 meter per second, average velocity is 0 meter per second. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, that is also like simple conceptual problem. कुछ भी नहीं है आपको, like it should be, if you are clear with the concept, you can easily think about it, how to approach. Main जो problem आता है basically NEET के लिए, that is managing time and speed, is it? So for that you need to do lot of practice. Okay, see one more problem here. So it's saying a car move a distance of 200 meter total. It cover first half of the distance at the speed of 40 kilometer per hour and second half of the distance at the speed of v. The average speed is 48 kilometer per hour. The speed v is, so it's just a little bit twisted actually. So the question it's saying is that before starting acceleration, so here it's saying a car is total covering total distance 200 meter total distance, and it's saying first half means
एस वन इज इक्वल टू 100 मीटर विद स्पीड ऑफ दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड द नेक्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ डिस्टेंस मीन्स एस टू इक्वल टू 100 मीटर अगेन विद द स्पीड ऑफ वी मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो इसका मतलब देखो अभी अपने को डिस्टेंस दे रखा है स्पीड दे रखा है टाइम कितना आ गया टी वन इज इक्वल टू हाउ मच दिस इज 100 डिवाइड बाई 40 एंड टी टू इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई वी. क्लियर? सो नाउ इट्स गिवन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हाउ मच इट्स गिवन एज 48 मीटर पर सेकेंड इट्स मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर इट्स किलोमीटर पर आवर एक्चुअली जस्ट स्मॉल करेक्शन सो इट्स गिवन एज किलोमीटर पर आवर एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज ऑल्सो ओके दैट्स रेस्ट इज ऑल राइट सो 100 मीटर एंड वी किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज गिवन एज 48 किलोमीटर पर आवर राइट. सो आई एम नॉट चेंजिंग द यूनिट बिकॉज यहाँ पे चीज़ें अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएंगी. हाँ अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा एंड दैट विल कम विद द प्रैक्टिस क्योंकि आइडियली इस प्रॉब्लम को हमें यूनिट को कन्वर्ट करके आइदर इसको किलोमीटर में या फिर इसको मीटर में पर आवर में मतलब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना चाहिए. बट द थिंग इज दैट इट विल कैंसिल आउट चीज़ें सब कैंसिल हो जाएंगी तो फर्क नहीं पड़ेगा. तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं देन आल्सो यू विल गेट सेम आंसर. देखो अभी एवरेज स्पीड 48 तो ये कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 200 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन इज 100 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 100 डिवाइडेड बाई वी. क्लियर? पर ये बराबर है 48 के तो 100 से ये गया एंड नाउ वी आर 48 दिस इज इक्वल टू हाउ मच 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 वी डिवाइडेड बाई 40 प्लस वी. क्लियर? ओके अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं सो दिस इज हाउ मच लाइक 8 6 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 6 वी इज इक्वल टू हाउ मच वी राइट. Sending it, alright, just one second, am I doing some mistake? तो यहाँ पे मैं एक बार a car move a distance of 200 meter, it cover first half of the distance at the speed of 40 kilometer per hour, second half of the distance at the speed of v, average speed is 48 kilometer per hour, the value of v, so means question is right, and we got t1, that is 100 by 40 and T2, this average speed total distance divided by total time taken and for so average speed हमें दे रखी है already 48 and this will be like 8 okay and here it will be like taking LCM so it will be V and it's 40 it will be like 40 V and that's all right multiplying it so it's 44 into 6 And like 6 into 40 plus 6V is equal to how much? Okay, this is 10V, that's right all. So now, just simplifying it, this implies 4V is coming out to be 60 into 4. And this implies 4 gets cancelled out. So V is coming out to be 60 kilometer per hour. Just calculation, I was checking. I was missing this 10 there actually. So, यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे क्या है कि आपको एवरेज स्पीड दे दी गई है और ये इंडिविजुअल स्पीड पूछ ली गई है कि नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए कितनी स्पीड से कार को ट्रेवल करना होगा. सो यू कैन सी दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम. ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सीलरेशन. यहाँ पर भी देखो एक्सीलरेशन क्या होता है वेलोसिटी है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब वेलोसिटी भी टाइम के हिसाब से चेंज हो सकती है सो द रेट एट विच वेलोसिटी इज चेंजिंग वी डिफाइन इट एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को भी अगेन दो लाइक वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ लो सिंपली ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. यू कैन राइट इट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इंस्टेंटेनियस. सो इट्स डिफरेंशिएशन of velocity with respect to time. Clear? That will be your acceleration and
डिफरेंसिएशन ऑफ वेलोसिटी, और इसको दिस इज आल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, ठीक है ना। यहीं पे एक आ जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन मींस इट्स डिफरेंस इन वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी। ये ध्यान रखने का वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ डायरेक्शन आल्सो फॉर कैलकुलेटिंग द चेंज इन एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन और इलैप्स्ड। तो ये आ जाता है बेसिकली एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। यहाँ पर भी अब आपको जो भी है लाइक सिचुएशन, एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, लेट्स से वन पार्टिकल इज मूविंग एंड इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम वी वन बार टू, लेट्स से वी टू बार, टाइम टेकन इज टी, देन सिंपली एक्सेलरेशन इज गिवन बाई वी टू बार माइनस वी वन बार। ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये अपना लाइक एवरेज एक्सेलरेशन भी हो जाता है। इसी को डी टी, जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा हो जाएगा बेसिकली। टी मैंने डायरेक्टली इंटरवल को, जो टाइम ड्यूरेशन है उसको मैंने टी ले लिया है, करेक्ट ना, वी वन से वी टू बार वेलोसिटी होने के लिए। अगर यहीं पे ये टी की वैल्यू हमारी बहुत छोटी हो जाती है, देन दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस। सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अगेन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए वैक्टर क्वान्टिटी। एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इट कैन बी जीरो ऑल्सो, क्लियर। और ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि वेलोसिटी हमारी जीरो हो बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, राइट। सो एक्सेलरेशन अगेन इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड जीरो, ये हो सकता है, राइट, बिकॉज इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। इट आल्सो इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन वगैरह भी होगा सब कुछ, राइट। एंड there is possibility that v is equal to zero but a is non-zero, can be possible। ये होता है, मतलब जैसे कोई भी गाड़ी या कुछ भी है तो वो एक्सीलेटर आपने स्टार्ट किया, मतलब गाड़ी को स्टार्ट किया तो एक्सीलेटर से आप स्टार्ट करेंगे तो मतलब एक्सीलेशन कुछ होगा बट वेलोसिटी क्या होगी, अब जीरो से बढ़ना शुरू करेगी। सो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट वी इज जीरो एट सम मोमेंट ऑफ टाइम एंड एक्सीलेशन इज नॉन जीरो। सो दिस इज एंड यहाँ पे ग्राफ जो भी रहता है अपने पास वी वर्सेस टी ग्राफ, तो इसका जो स्लोप है किसी भी पॉइंट पे वो इसको एक्सेलरेशन देगा। सो स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एंड सो दिस इज अबाउट, अब यहाँ पे एक और जो चीज़ आ जाती है कि जो मोशन है ना, मोशन को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं अपन बेस्ड ऑन एक्सेलेशन। कि एक्सेलेशन एक बार कांस्टेंट हो सकता है जिसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेशन। अनदर केस इज एक्सेलेशन मे बी चेंजिंग, सो दैट मींस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम एंड सी सम प्रॉब्लम। ओके सो जस्ट लेट मी टेल यू दैट बेस्ड ऑन एक्सेलेशन जो मोशन है उसको हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं बेसिकली। वन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन इसका मतलब होता है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। क्लियर, तो दैट इज कॉल्ड योर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ये ध्यान रखने का, जब एक्सेलेशन यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है, उस सिचुएशन में हमारे पास रिलेशन है जो कि बहुत आसानी से डेराइव किए जा सकते हैं। हम जब डिटेल में पढ़ते हैं चैप्टर में, देन वी इवन डेराइव इट, देन वी हैव रिलेशन सम वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आई होप यू एंड वी दे हैव स्टैंडर्ड इज इट नोटेशंस। यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी, और ए इज एक्सेलेशन, और यू कैन से वी वेलोसिटी एट टाइम टी, इज इट। एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलेशन, t टाइम, तो t टाइम तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस।
अगेन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एस इज द डिस्प्लेसमेंट. एंड द फोर्थ वन कम्स इज एस एंथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, दिस इज टू एन माइनस वन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन एंथ सेकेंड. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पॉइंट आपको ध्यान में रखने का है, वो ये है कि ये सभी रिलेशंस वैलिड हैं, वैलिड ओनली व्हेन वैल्यू ऑफ और यू कैन से ए इज कांस्टेंट. अगर ए की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो ये रिलेशन आप नहीं लगा सकते. उस टाइम पे भी अगर आपने इन रिलेशन को अप्लाई किया, यूज़ किया, देन यू विल गेट डेफिनेटली रॉन्ग आंसर, बिकॉज उस टाइम पे ये वैलिड ही नहीं है. सो दिस इज द कंडीशन, इसको अपन बोल देते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. उस सिचुएशन में हम ये रिलेशन लगा सकते हैं और इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. हाँ, अब आपको ये नहीं दिया जाता है कि कौन सी क्वेश्चन यूज़ करनी है, सम इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द क्वेश्चन और उसके बेसिस पर आपको समझना पड़ता है कि क्या दे रखा है हमें, क्या नहीं दिया गया है और कौन सा रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन सा यहाँ फिट होगा एग्जैक्टली और किसका यूज़ करके हम निकाल सकते हैं. वी विल सॉल्व सम एग्जांपल, देन आई विल टेल यू दैट कि सी दीज थिंग्स आर गिवन. अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये जो दिया है और जो पूछा गया है उनका रिलेशन कौन सी इक्वेशन को यूज़ करके आ सकता है. ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको कुछ पार्ट एक रिलेशन से आएगा, एक क्वेश्चन से आएगा, कुछ पार्ट दूसरी क्वेश्चन से आएगा, फिर थोड़ा सा दोनों को कंबाइन करके, तो मतलब एक ही क्वेश्चन में आपकी एक दो एक या एक से अधिक इक्वेशन भी यूज हो सकती है और बेसिकली दो या दो से अधिक है. सो दैट इज़ अबाउट थिंग लाइक दिस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यहाँ पे एक और पार्ट आ जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में ही, दैट मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब होता है कि जो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, हमने कहा ए इज कांस्टेंट, तो वही जो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है वो क्या हो जाता है, ए इज बेसिकली रिप्लेस्ड बाय जी. वे जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी. एंड जिसका वैल्यू आपको मालूम है जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. स्टैंडर्ड वैल्यू ये होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में हमें दिया जाता है कि टेक जी इक्वल टू 10, तो वो रफली जब कैलकुलेशन को हमें आसान करना हो तो उस टाइम पे हम 9.8 की वैल्यू 10 भी ले सकते हैं. अगर नहीं दिया गया तो आपको 9.8 ही लेना है. व्हेन इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट टेक द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 10, देन यू हैव टू टेक इट 10. ओके, सो दिस इज अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी. तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यही सेम ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, like a will be replaced, all relation will be still valid, so v is equal to u plus a is replaced by g, so and second is s is equal to ut plus half gt square, third relation s v square minus u square is equal to 2gs, and fourth relation again this one will be equal to s in nth is equal to u प्लस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन. तो ये है जिसको अपन बोलते थे मोशन अंडर ग्रेविटी. वी विल सी सम प्रॉब्लम. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आ जाती है वो है बेसिकली तुम्हारा साइन कन्वेंशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपने साइन कन्वेंशन में मिस्टेक कर दिया, यू विल बी अप्लाइंग करेक्ट रिलेशन, you will be doing all calculation correct, but just because of sign you will definitely get wrong answer. Understanding? So this sign convention is very important. क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, acceleration, v velocity, s क्या है displacement, और हमें ये पता है कि ये सब quantity क्या है, vector है. और वेक्टर में अपन ने देखा था कि ये क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो हो सकती है. तो अब हमें यही डिसाइड करना है साइन कन्वेंशन में कि कब कौन सी क्वान्टिटी को हमें पॉजिटिव लेना है, कब कौन सी क्वांटिटी को हमें नेगेटिव लेना है. तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे कोई भी इक्वेशन को यूज़ करके, तो इसमें जो एस यू वी वगैरह इनको क्या साइन क्या रखेंगे, क्या हमेशा सबका पॉजिटिव लेंगे, क्या हमेशा सबका साइन नेगेटिव होगा, नो. ये हम डिसाइड करते हैं और जो रूल्स हैं उसको हम नाम दे देते हैं साइन कन्वेंशन. करेक्ट ना? तो रूल क्या कहता है, इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है. देखो पहली बात तो डेफिनेटली हमें जब मोशन को स्टडी करना है तो वी मस्ट हैव वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्लियर ना? तो मान लेते हैं कि ये अपने पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है x, x6, इसको मैंने y. अब मैंने मेरे हिसाब से
इसको मैंने पॉजिटिव एक्स ले लिया, इसको मैं पॉजिटिव वाई ले, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको जो आसान लगे कि आप इसको पॉजिटिव नहीं, आप इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना चाहते हैं, देर इज नथिंग रॉन्ग, क्लियर ना? आप अपने हिसाब से जो चाहे मन उसको पॉजिटिव एक्स ले एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस नाम दे सकते हैं, बट मेक इट लाइक फिक्स, ऐसा नहीं कि पहले ये फिर थोड़ी टाइम बाद ये फिर वो, इस तरह से चीज़ें चलो बदलोगे देन अगेन देर इज पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी डूइंग सम मिस्टेक समवेयर, राइट? सो टेक केयर ऑफ दैट पार्ट. तो अभी क्या करना है, मैंने मेरे हिसाब से कि ये पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स जो भी है, अब नेक्स्ट बचता है कि ये ऑरिजिन कहाँ पे फिक्स करना है, तो ये भी तुम्हारे ऊपर है. जैसे एक बॉल को नीचे से थ्रो किया गया, यू कैन फिक्स द ऑरिजिन हियर, और आप एक बिल्डिंग से यहाँ पर भी ओरिजिन फिक्स कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से इनिशियल पोजीशन सब कुछ आपकी डिसाइड होगी. ऐसे एक बॉल को अगर टावर से यहाँ से ड्रॉप किया जाता है या फिर थ्रो किया जाता है या फिर ड्रॉप किया जाता है, कुछ भी सिचुएशन है, तो आप ओरिजिन यहाँ भी सेट कर सकते हैं और ओरिजिन यहाँ भी सेट कर सकते हैं. अगर यहाँ सेट करते हैं तो इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी, जो ये हाइट है टावर की, करेक्ट ना? और जो भी है फिर उसके हिसाब से चीज़ें चलती रहेंगी. अब देखो यहाँ पे क्या आता है कि तुमने क्या किया, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब एक फ्रेम भी अटैच कर दिया, जो भी तुम्हारा जहाँ आई विल गिव यू सम एग्जांपल, तो वहाँ से चीज़ें आपको क्लियर भी करूँगा कि देखो इस सिचुएशन में हमने ये ऐसे किया और उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. हियर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द अप्रोच के चीज़ों को कैसे डील करना है, कौन सी चीज़ का किस बात का आपको ध्यान रखना है. लिसन इट वेरी केयरफुली, राइट? तो साइन कन्वेंशन में एक अपने क्या किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट कर दिया, और मेरे हिसाब से मुझे या लाइक अप टू यू, तुम्हें जो डायरेक्शन कन्वीनियंट लग रही है, जो तुम्हें अच्छी लग रही है, उसको तुमने पॉजिटिव नाम दे दिया. अब जैसे मैं बोल देता हूँ, ये हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें क्या हो रहा है, एक टावर से, तो ये अपने पास है टावर एच हाइट का, और यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया गया यू स्पीड से इनिशियली, राइट ना? दिस इज लेट्स से हाइट एच. तो अब मैंने क्या किया, इसको वाई और इसको एक्स, तो इसको पॉजिटिव वाई, क्लियर? अब जो साइन कन्वेंशन है वो क्वांटिटीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव साइन डिसाइड करेगा. तो फर्स्ट थिंग, मैंने यहाँ पे ओरिजिन सेट कर दिया, इधर पॉजिटिव एक्स इधर नेगेटिव एक्स, सॉरी पॉजिटिव एक्स और इधर पॉजिटिव वाई ले लिया. अब जो साइन होगा तो यू का साइन क्या होगा, यू विल बी टेकन एज, क्योंकि यू की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग, सो दैट्स वाई इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, क्लियर? एक्सेलेरेशन ए एक्सेलेरेशन है क्या, पहले तो आपको ये समझना होगा एक्सेलेरेशन क्या है. अगर एक बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो उस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, एम जी, और जी की एम जी की वजह से ही एक्सेलेरेशन क्या आता है, जी, और जी किधर है, किधर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर है, दैट्स डेफिनेटली डाउनवर्ड, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, माइनस जी, साइन ऑफ एक्सेलेरेशन विल बी नेगेटिव. अब यहाँ से जो भी है डिस्प्लेसमेंट, तो आप एस वाई, ये क्या होगा, एस वाई मतलब अभी ऊपर देखोगे तो आप ऊपर है, जब यहाँ पे बॉल थोड़ी देर बाद यहाँ होगी तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है, अब नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव हो जाएगा. थोड़ी टाइम पर यहाँ पर आप देखोगे कि वेलासिटी भी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, क्लियर ना? तो अभी लाइक एस वाई जो भी है आप उसके हिसाब से चीज़ें, मतलब इसके तो आप कैलकुलेट करना है ना, तो वो आप यहाँ पर रखोगे एस, तो यहाँ पे यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया. टी टाइम, डेफिनेटली टाइम ऑलवेज हैज़ टू बी टेकन एज पॉजिटिव, टाइम कभी नेगेटिव हम ले ही नहीं सकते, नेगेटिव टाइम डज नॉट डिफाइन, क्लियर ना? मतलब सेंस ही नहीं बनाता कोई. जी जी की वैल्यू यहाँ पे आपको नेगेटिव रखनी पड़ेगी, एंड देन सिंप्लीफाइंग इट ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन कि किस मोमेंट की बात करते हैं, कौन से टाइम इंटरवल. अगर यहाँ की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ की बात करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाती हैं, उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. बस करना क्या है कि एक बार आपको जहाँ आपका दिल करे, जहाँ आपको चीज़ें सही लगें, कंफर्टेबल लगें, वहाँ ओरिजिन फिक्स कर दो, उसके हिसाब से एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो, दूसरी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है. अब चेक करो जो क्वांटिटीज़ हैं तुम्हारे पास, यू वी वगैरह वगैरह, तो जो भी क्वांटिटी की डायरेक्शन जो तुमने पॉजिटिव लिया उसके अलॉन्ग है, यू विल राइट इट पॉजिटिव साइन. अगर उसके अगेंस्ट है मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस द साइन ऑफ दैट क्वांटिटी विल बी नेगेटिव, क्लियर ना? और जो ये रिलेशन आप यूज़ करोगे उनमें सभी क्वांटिटीज़ को आपको यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग विद प्रॉपर साइन.
देन सिंप्लीफाई इट सॉल्व इट यू विल गेट आंसर. तो ये हो जाता है बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. नेक्स्ट केस आ जाता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मींस जहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है. सो लेट मी सी, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस पार्ट, देन वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट केस. ओके, सो सी वन मोशन एक्चुअली हियर विल बी विजिबल टू यू. ए बॉय स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप ए स्टोन राइट एंड assuming g equal to 10 meter per second square, velocity with which it hits the ground is, so this is the question actually. So let me see, it's saying a boy standing on top of tower of height 20 meter. This is the height of tower, boy standing on, and it's dropping one stone. So means we need to check. Now listen it, I'm telling you how to actually start and how to approach. तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, क्लियरली फर्स्ट मेंशन राइट एवरीथिंग जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है. तो टॉप ऑफ द टावर बॉय स्टैंडिंग हियर हाइट 20 मीटर, इट्स सेइंग ड्रॉप द बॉल मींस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो. ड्रॉपिंग द बॉल मींस इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो राइट. ओके एंड नाउ इट्स सेइंग टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और पूछा क्या गया है, विद व्हाट वेलोसिटी बॉल विल हिट द ग्राउंड, दिस इज द प्रॉब्लम. अब देखो इतना अगर आप लिख लेते हो तो मतलब यहां पे आपको वेलोसिटी चाहिए फाइनली. अब देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन भी हमें दिया गया है, तो अभी क्या करते हैं अपन नीचे को ही पॉजिटिव ले लेते हैं. क्लियर, फाइनली यहां पहुंच जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस भी मतलब हमें एस दे रखा है 20 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है जी, और फाइनल वेलोसिटी पूछेगी. नाउ कैन यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि कौन सा रिलेशन है जो इन सब चीजों को कनेक्ट करता है. इट शुड स्ट्राइक टू योर माइंड, स्ट्राइक इन योर माइंड दैट इज बेसिकली थर्ड इक्वेशन. बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया. और थर्ड इक्वेशन से सीधा सॉल्व कर दिया जाए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए इंटू एक्स. लेट्स सब्स्टिट्यूट, वी स्क्वायर हमें चाहिए, यू जीरो दे रखा है, 2 ए कितना आ गया 10 और एस कितना है 20. क्लियर, तो ये हमारा 20 इनटू 20 बी स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज बी इज कमिंग आउट टू बी 20 मीटर पर सेकंड. दिस इज द प्रॉब्लम. तो अगर आप सीधा इसको सॉल्व करते हैं विदाउट थिंकिंग मच, इट्स जस्ट ए प्रॉब्लम ऑफ फ्यू सेकंड्स. सो विद इन फ्यू सेकंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट राइट. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ए कार at rest accelerate uniformly to a speed of 144 kilometer per hour in 20 seconds. It cover a distance of, तो अब आपको distance पूछा गया है right. So say car start at rest, so first thing is car initial velocity zero because starting from rest and acceleration is constant. It's not given कि क्या है, but it's given as constant and it's accelerating from 0 to final velocity 144 km per hour in time taken how much, 20 seconds. Clear, and now it's asking you what is the distance covered. To dekhiye abhi kya karte hain, yahan par v apan ko de rakha hai final velocity, acceleration ke nikala ja sakta hai, acceleration v minus u divided by t will be your acceleration. Time hame diya gaya hai राइट और डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू कैन यूज दिस रिलेशन आल्सो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू ए इनटू एस. बिकॉज अगर आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है देन व्हाट इज दैट, वी इज नोन टू यू, यू इज नोन टू यू, ए इज नोन टू यू, देन यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन एंड सिंप्लीफाइंग इट सॉल्विंग यू विल गेट आंसर. थोड़ी सी चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने की है वो ये है कि here your velocity is given in terms of like kilometer per hour and time is given in terms of second, so you need to look for here the options. Actually if options are given in kilometer per hour it will be always better to convert this in hour. Agar aapko options meter per second ya meter ke something mein de rakhe hain to aisa unit mein to better hoga ki isko meter per hour mein convert meter per second mein convert kiya jaye. So that you will decide based on options. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकॉज ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं वो क्या है मीटर में, सो दैट्स व्हाई इट विल बी बेटर टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर. अगर आप सीधा इसको सॉल्व करेंगे
then again you will be in trouble, right? So let's get convert this. So V is equal to what? Kilometer per hour. You should remember how to convert that. 144 kilometer per hour ko meter per second mein convert karne ke liye we need to multiply it by 5 by 18. Simplifying it will comes out to be 40 meter per second. तो अपने पास क्या आ गया? Final velocity आ गई. अब देखो यहाँ पर रख देते हैं तो acceleration कितना आ जाएगा? 40 minus 0 divided by time taken 20 second. That comes out to be 2 meter per second square. This is the acceleration of your car. Acceleration आ गया अपने पास. Final velocity बताया, सब कुछ बताया, displacement पूछा गया है. Substitute कर देते हैं. 40 square minus 0 square 2 a 2 into s. Simplifying it, this implies s we are getting it's 400 meter and this is the answer to the problem. तो थोड़ा सा आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है. यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यूनिट कभी कभी हमें चीजें कोई क्वांटिटी एक यूनिट में कोई दूसरी क्वांटिटी दूसरी यूनिट में दे दी जाती है. अब देखो मैंने अभी पहले क्वेश्चन बताया कि जहां हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी तो वो सब चीजें आप सोच पाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी क्वेश्चन आप लगाओगे, थोड़ी सी चीजों दिमाग आपका दौड़ेगा, कनेक्ट कर पाओगे चीजों को क्योंकि ये दिया है वो पूछा गया है इस तरह से. तो कहीं अगर हमें जरूरत नहीं है तो वहां पर हमें टाइम वेस्ट भी नहीं करना है कन्वर्ट करने के लिए. जहां हमें जरूरत है तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी यूनिट में कन्वर्ट करें. दैट यू कैन थिंक दैट यू कैन लाइक गेट द कंक्लूजन कि कौन सी यूनिट में, तो वो आप ऑप्शन देख करके, क्योंकि फाइनल अगर आपको वापस यूनिट कन्वर्ट करने पड़ रहा है तो वो आपका डबल टाइम कंज्यूम हो गया ना, तो इसलिए उस यूनिट में कन्वर्ट कर लो जिसमें आपके आंसर दे रखे हैं, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा. एक ही बार आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा. सो दिस इज अबाउट द प्रॉब्लम. होप इट शुड बी क्लियर टू यू एंड रिमेंबर keep things in your mind. जो मैं आपको point बोल रहा हूँ वो सब चीजें आपको ध्यान रखने होंगे. Let's see one more problem. Okay, so the next question here you can see it. A body start from rest. What is the ratio of distance traveled by the body during fourth and third second? So this is the problem. Even acceleration is not given to you. So we okay. One more thing, because acceleration not mentioned. We will assume here acceleration to be constant. Okay. So next the thing is, so let's say acceleration of body is A. Or again, starting from rest means initial velocity is zero. And now it's asking the displacement or distance traveled in fourth second divided by distance traveled in third second. This ratio is the question actually. So abhi dekho yahan pe hamare paas maan lete hain acceleration A hai. Then what will be the displacement or distance traveled in fourth second? So as fourth, यहाँ पर हमारे पास सीधा straightforward formula होता है u plus a by 2 and 2n और n क्या है यहाँ पर fourth, so this is 2 into 4 minus 1 and s third will be equal to what? U plus a by 2, 2n minus 1 again. ये कितना आ गया basically अपने पास? 7a by 2 and this is 5a by 2 and the ratio of s fourth divided by s third, this comes out to be 7a by 2 divided by 5a by 2. This cancels out 7 by 5. This is answer to the problem. Clear? So again चीजें को थोड़ा सा आपको समझने का है and then apply it. Write the things which is given to you in the problem. So this is up to uniformly accelerated motion. Let's see the next.